सिंगरौली शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पिछले 10 दिन से हड़ताल चल रही है। इन लोगों ने कई बार अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग सरकार से की और जब सुनवाई नहीं हुई तो ये लोग हड़ताल पर चले गए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सिंगरौली में भी सैकड़ों की संख्या में विक्रेताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन विक्रेताओं को सहकारिता विभाग द्वारा तौल मशीन जमा कराए जाने के आदेश की प्रति को इन विक्रेताओं ने धरना स्थल पर जलाया और मांग की है कि हम लोगों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाएं, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 6,000 मानदेय में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमारी मांगों से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लगभग 12 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन को अपने पत्र के माध्यम से निवेदन करते आ रहे हैं और एक दो बार हमने जिले में हड़ताल भी किया, लेकिन हमारी मुख्य मांगों के लिए शासन प्रशासन आज तक कोई विचार लगता नहीं बनाई है। हमारी मुख्य मांग है हमें नियमित किया जाए और शासकीय कर्मचारी की भांति सारी व्यवस्थाएँ दी जाएँ। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी इसी समाज के अंग हैं, हम भी वोट देते हैं। हम कोई बाहर के आए हुए आतंकवादी नहीं हैं जिन्हें पेट भरा भोजन भी नहीं दोगे और काम करवाओगे ऑनलाइन। 2 तारीख को अपना ज्ञापन देके, 4 तारीख को अपनी POS मशीन लेके आदरणीय खाद्य अधिकारी महोदय के पास जमा करने पहुंचे थे, किंतु उस दिन उन्होंने हाथ खड़े कर लिए मशीन जमा करने से। और कल वो एक आदेश फरमानी आदेश जारी कर रहे हैं कि अपनी मशीनें समिति सेवक के पास जमा कर दें और समिति प्रबंधक लोग अग्रिम व्यवस्था में कार्यवाही करेंगे। जब हम खुद 4 तारीख को उनको अपनी मशीन दे रहे थे तो उसी दिन उनको ले लेना चाहिए था। अब उनका आदेश हम मानेंगे कि न मानेंगे, जब हमारे समिति प्रबंधक हमें लिखित में देंगे तो फिर हम मशीन जमा करने के लिए बाध्य होंगे। रही बात हमारी समस्या का, तो हमारे यहाँ 2,992 ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जो 300 रुपये मंथली पेमेंट पाते थे उसके बाद आदरणीय शशांक मिश्रा कलेक्टर महोदय ने 2016 में किसी तरीके से 4,000 उनको वेतन देना आरम्भ किया। इन लोगों की मांग को लेकर प्रशासन ने सरकार को इत्तला दी है और इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। वहीं इन लोगों की हड़ताल के चलते प्रशासन खाद्यान्न वितरण की नई व्यवस्था कर रहा है। अभी जो कोटेदार हैं शासकीय उचित मूल्य पे खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई करते हैं, उनकी एक प्रदेशव्यापी आह्वान किया है जिसमें उनकी विभिन्न मांगे के संबंध में एक जो ज्ञापन उन्होंने दिया था, तो शासन स्तर से उस पर जो कार्रवाई अपेक्षित है। इनकी जो वर्तमान में जो खाद्यान्न वितरण से हमारा प्रभावित हुआ है, अभी हम देख रहे हैं क्योंकि एक ये हमारी आवश्यक अति आवश्यक जो सेवा होती है जो कि एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है उसकी सुचारू संचालन के लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके संदर्भ में हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको कर्तव्य व्यवस्था बनाते हुए उसका खाद्यान्न वितरण हमें करवाया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।